नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में इस समय भारी बारिश हो रही है। इस समय बिहार के अंदर मानसून एक्टिव है और बिहार डूबा हुआ है। गंगा नदी दोस्तों बेकाबू होकर चल रही है। इसी बीच पुल टूटने की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले तक यह मामला बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहा था। अभी पुल टूटने का मामला पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ कि एक बार फिर से समस्तीपुर में एक पुल ढह गया है। समस्तीपुर में एक निर्माणाधीन पुल का स्पॉन अचानक से ढह गया। इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहां मौजूद लोगों के बीच होड़ मच गई है। घटना नंदिनी लांगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की है। बता दें कि समस्तीपुर के नंदिनी रेलवे स्टेशन के पास बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का काम चल रहा था। रविवार की देर शाम दोनों पिलरों के बीच स्पैन डाला जा रहा था, तभी अचानक स्पैन नीचे गिर गया। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की घटना नहीं हुई है। हादसे के बाद मौके पर जेसीबी बुलाई गई थी। जेसीबी ने रात भर में पुल का मलबा दबा दिया। जाहिर है कि प्रशासन इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक लापरवाही छिपाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि स्पेन गिरने से नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का काम कई सालों से चल रहा है। इस पुल की नींव 2011 में रखी गई थी। 1603 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का काम 2016 में ही पूरा होना था, लेकिन 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद पुल का काम सिर्फ 60% ही पूरा हो सका। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में गिना जाता है। हालांकि पुल बनने से पहले ही ढह गया है, जिसकी चर्चा बिहार ही नहीं पूरे दोस्तों भारत के अंदर हो रही है, क्योंकि बिहार के अंदर इस साल सबसे ज़्यादा पुल गिरे हैं। और बता दें कि पुल गिरने की घटना से बिहार में राजनीतिक भूचाल भी आया था। हालांकि वो मामला ठंडा हो गया था, लेकिन अब पुल गिरने से ये मामला फिर से दोस्तों अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां एक और पुल टूट चुका है। बता दें कि इस समय बिहार के अंदर गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया है। बिहार के हजारों गांव दोस्तों पानी में डूबे हुए हैं। स्कूलें बंद कर दी गई हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच पुल टूटने की खबर सामने आई है। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।